आज हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ और प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न ये है, हमें एक एपी दी गई है 3, 8, 13, 18, इसका कौन सा पद 78 होगा। जैसा आप देख सकते हैं इस एपी में प्रथम पद है 3, दूसरा पद है 8, तो ए हो गया 3। डी निकालने के लिए हमने दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दिया, 8 - 3 ये हमारे पास आ गया 5। कौन सा पद 78 है, यानी कि हमें ए एन एंथ टर्म इस एपी की दी है 78। ए एन का हमने फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बराबर है 78 के। ए हमारे पास था 3, एन हमें नहीं पता था उसकी जगह एन, डी की जगह 5 बराबर 78। 3 इसके साथ प्लस हो रहा था, उधर जाके 78 में से माइनस होके हमारे पास बन गया 75। 5 इसके साथ गुना हो रहा था, वहां जाके भाग हो गया, 5 से 75 कट जाएगा 15, हमारे पास बचा 15। 1 यहां माइनस हो रहा था, उधर जाके हो गया प्लस, इस तरह से हमारे पास आ गया 16। हमारा क्वेश्चन था इस एपी का कौन सा पद 78 है, तो उत्तर है इस एपी का 16वां पद 78 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवां क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल चौथे प्रश्न की तरह है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, सॉल्व आप इसको खुद से करना। एपी दी हुई है 7, 13, 19 इस तरीके से, 205 है इसका आखिरी पद, तो देख रहे हैं ए बन गया 7 के बराबर। डी निकालने के लिए हमने दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दिया, 13 - 7 ये आ गया 6 के बराबर, और आखिरी पद 205 यानी ए एन दिया हुआ है 205। तो ए एन का जो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बराबर है 205 के। यहां पर आप ए और डी की वैल्यू भरकर एन निकाल लेंगे, जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में किया। इसी प्रकार से इसका दूसरा भाग है 18, 15 से ही 1/2, 13। बच्चे इस प्रश्न से डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहला पद था 18, इसको हमने हल कर लिया, जो नीचे रकम थी उसको नीचे ही रखा। इनके लिए 15 को 2 से गुना किया, 15 × 2 = 30, उसमें 1 प्लस कर लिया तो हमारे पास आ गया 31, यानी 15 सही 1/2 को हम 31/2 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ए हमारे पास 18 ही है। डी निकालने के लिए दूसरे पद में से प्रथम पद माइनस कर दिया, 31/2 - 18, 2 और 1 का लघुत्तम लिया 2, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, 2 को 2 से भाग किया 1, 1 × 31 = 1, माइनस 2 को 1 से भाग किया 2 × 18 = 36। इसको हल करके हमारे पास डी आ गया -5/2, और जैसा चौथे प्रश्न में किया था ए और डी की सहायता से हम एन को ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, क्या 11, 8, 5, 2 क्या इनका कोई एक पद -150 है, क्यों। आप देख रहे हैं ए एन दिया हुआ है -150, ए एन का हमने फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर -150। ए इस एपी में पहला पद है 11, तो ए हो गया 11। एन हमें नहीं पता, एन माइनस वन। डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद माइनस किया, 8 - 11 वो हो जाएगा -3 बराबर -150। 11 इसके साथ प्लस हो रहा, उधर आके हो गया माइनस, तो ये आ गया -150 -11 - 161 के बराबर। -3 इस ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा था, इसलिए उधर जाके हो गया भाग, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये नहीं कटता, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा। -1 था यहां, ये उधर जाके हो गया +1। 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 3 को 3 से भाग किया 1 × 161 प्लस 3 को 1 से भाग किया 3 × 1 = 3, तो हमारे पास आ गया 164/3, ये देख रहे हैं आप 164/3। अब आप देख पा रहे हैं कि n जो है एक बटे वाली संख्या आई है, यानी कि एक पूर्ण संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसी नहीं आई है, अतः -150 यह दी गई एपी का एक पद नहीं है। इसके कुछ अन्य प्रश्न मैं आपको व्हाट्सएप पर सॉल्व करके भेज दूंगा।